हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर पल्लवी टिपले, आई एम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन फेमकर फर्टिलिटी। आज के हमारे ये सीरीज़ में हम 33 और 34 वीक्स के बारे में बात करेंगे। अभी आपको जो सिम्टम्स हो रहे हैं, यानी आपको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ग्रोइन में पेन हो रहा है, ये सिर्फ अभी 6 वीक्स के लिए। 6 वीक्स के बाद आपका बेबी आपके पास होगा। अभी आपका यूटेरस अम्बिलिकस के 6 इंच ऊपर आ चुका है, यानी हमारा जो रिब केज रहता है उसके बीच में आ चुका होता है। तो इसके वजह से आपको ये सब सिम्टम्स आते हैं, बट आपको डरने की बात नहीं है, बिकॉज जब हमारे 37 वीक्स क्रॉस हो जाते हैं तो हमारा जो यूटेरस रहता है वो पेल्विक बोन में फिक्स हो जाता है, यानी नीचे की तरह आता है। तो ये जो सिम्टम्स रहते हैं उससे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। 33-34 वीक्स में यूजुअली वजाइनल जो डिस्चार्ज रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है, बट यदि आपको ये वजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा आ रहा है, कलरफुल आ रहा है, यानी ग्रीनिश डिस्चार्ज है या कर्डी वाइट डिस्चार्ज है, और जो डिस्चार्ज है उससे स्मेल आ रहा है, तो आपको आपके डॉक्टर्स को बताना है, क्योंकि कभी कभार ये जो डिस्चार्ज रहता है वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और इन्फेक्शन की वजह से हमारे बेबी को भी इन्फेक्शन जा सकता है, या हमारी जो डिलीवरी है वो प्रीटर्म भी हो सकती है। कभी कभार हमारे जो पेशेंट रहते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर, जो डिस्चार्ज आ रहा है वो कंटिन्यूस आ रहा है, यानी वो सो रहे हैं तो सोने के बाद उनकी पूरी बेडशीट वेट हो जाती है, या वो खड़े रहते हैं तो ड्रिबलिंग डिस्चार्ज आता है। तो ये डिस्चार्ज आपका लीकिंग हो सकता है, यानी बेबी के अराउंड की जो सैक रहती है उसमें अम्नियोटिक फ्लूइड रहता है। कभी कभार ये सैक जो रहती है वो रप्चर हो जाती है, इसीलिए अम्नियोटिक फ्लूइड बाहर आता है। तो यदि आपको ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको आपके डॉक्टर से तुरंत जाके मिलना है, क्योंकि सैक रप्चर होने के बाद, यानी लीकिंग होने के बाद 24 आवर्स में हमारी बेबी के डिलीवरी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट घबराना नहीं है, क्योंकि अभी हमारा बेबी जस्ट 33-34 वीक्स का है, और यदि लीकिंग हो जाती है और डिलीवरी करना हमें जल्दी पड़ सकता है, तो उस टाइम पे भी बेबी को खतरा नहीं होता। यदि अर्ली डिलीवरी होती है तो बेबी NICU में ऑब्जर्वेशन में रख के भी बेबी का आउटकम जो रहता है, बेबी की हेल्थ जो रहती है वो अच्छी रह सकती है। बट यदि हमने ये लीकिंग को इग्नोर किया और हम डॉक्टर्स के पास नहीं गए, तो कभी कभार ये जो इन्फेक्शन रहता है वो बढ़ जाता है, वो बेबी तक जा सकता है, बेबी के ब्रेन को इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, बेबी के लंग को इन्फेक्शन हो सकता है, यानी हमारे बेबी को निमोनिया हो सकता है, या बेबी के ब्लड में भी इन्फेक्शन जा सकता है, यानी सेप्टिसिमिया हो सकता है। इवन हमारी जो मदर्स रहती है उनको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आपको कोई भी डाउट लगता है आपने आपके डॉक्टर्स को मिलना है। 34 वीक्स में हमारा अम्नियोटिक फ्लूइड रहता है वो मैक्सिमम रहता है। 34 वीक्स के बाद ये अम्नियोटिक फ्लूइड थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी बेबी की ग्रोथ थोड़ी फास्ट हो जाती है। आफ्टर 33-34 वीक्स के बाद पर डे हमारे बेबी का 30 ग्राम पर डे वेट गेन हो जाती है। अभी हम जानेंगे कि हमारे बेबी में क्या चेंजेस होते हैं। हमारी बेबी की हाइट 17.5 इंच तक आ चुकी होती है। इसके बाद हमारी बेबी की हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ते, हमारे बेबी की जो हाइट रहती है वो फ्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारे बेबी का वेट जो रहता है वो ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अभी हमारा बेबी 2.15 kg तक आ चुका होता है। हमारे बेबी की डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, यानी रोग प्रतिकारक शक्ति, ये भी अच्छे से डेवलप होती है। हमारे बेबी के लंग अच्छे से डेवलप होते हैं, इसीलिए किसी कारणवश यदि हमारे बेबी की प्रीटर्म डिलीवरी होती है तो भी हमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं रहते। हमारे बेबी के बोन अभी स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाते हैं। सिर्फ बेबी के हेड बोन, यानी स्कल बोन जो रहता है वो अभी भी फ्लेक्सिबल रहते हैं। ये नेचर का प्रोटेक्शन रहता है, क्योंकि यदि नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हमारे बेबी को बर्थ कैनल से जाना पड़ता है, तो उस टाइम पे डिलीवरी ईजी हो, इसलिए जो स्कल बोन रहते हैं वो अभी भी फ्लेक्सिबल रहते हैं। अभी हम जानेंगे कि ये वीक्स में हमने क्या केयर लेनी चाहिए। आपने, आपके डॉक्टर्स ने आपको जो आयरन, कैल्शियम दिए, प्रोटीन्स का सेवन करने को बताया है, वो आपने कंटिन्यू करना है। डिलीवरी के बाद कभी कभार ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो यदि पहले से ही आप आयरन का अच्छे से सेवन कर रहे हो तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। कैल्शियम के वजह से आपके बोन स्ट्रांग होते हैं, आपसे आपके बेबी को कैल्शियम जाता है, बेबी के बोन स्ट्रांग होते हैं। कैल्शियम की वजह से ब्लड में क्लॉट नहीं आते, इसीलिए बेबी के तरह जो जाने वाला ब्लड फ्लो रहता है वो भी अच्छे से होता है।
प्रोटीन हमें हमारी ग्रोथ के लिए इसेंशियल है, हमारे जो नर्व ग्रोथ होती है, हमारे बॉडी की जो सेल ग्रोथ होती है, इवन हमारे बेबी की जो नर्व एंड सेल ग्रोथ होती है उसके लिए प्रोटीन इसेंशियल है। इसीलिए आपको आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और आपके डॉक्टर्स ने जो भी आपको विटामिन्स दिए हैं वो सब कंटिन्यू करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये टाइम में आपको एक्सरसाइज करना है। यदि आप नॉर्मल डिलीवरी आपको चाहिए तो आपने पेल्विक एक्सरसाइज भी करना है, यानी जो हम कीगल एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं वो आपने करना है। अभी आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। अभी हम हमारे ये वीडियो में डिलीवरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट 6 वीक्स बचे हैं, कभी भी हमारी डिलीवरी हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे जाती है। यदि आपको नॉर्मल डिलीवरी के बारे में पता हो तो आपको टाइम पे आप घबराएंगे नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी आपने आपके जो हॉस्पिटल में आपने डिलीवरी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ पे जाके एक बार लेबर रूम भी देखना है, हॉस्पिटल में आपकी रूम देखनी है। सो आप थोड़ा सा वो एनवायरनमेंट को फैमिलियर हो जाएंगे। अभी हम बात करेंगे डिलीवरी के स्टेजेस के बारे में। डिलीवरी के 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज यानी जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है, हमने हमारे लास्ट वीडियो में ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन के बारे में बात किया था। जो ट्रू लेबर पेन रहता है दैट बाउंड टू इंक्रीज। यदि आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है तो उसकी इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी और पेन के साथ जो आपके सर्विक्स का डायलिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट स्टेज रहती है उससे पेन स्टार्ट होके सर्विक्स का जो डायलिटेशन रहता है वो मैक्सिमम यानी 10 सेंटीमीटर होने तक हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। सेकेंड स्टेज में 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन से हमारे बेबी की डिलीवरी, ये सेकंड स्टेज में आती है। कभी कभार इसको 1 या 2 घंटे भी लग सकते हैं, या कभी किसी की सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग हो जाता है तो हमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी यानी वैक्यूम या फोर्सेप की हेल्प से भी डिलीवरी करना पड़ सकता है। इवन फर्स्ट स्टेज भी हर किसी की वेरी रहती है। यदि आपकी फर्स्ट डिलीवरी है तो हो सकता है कि आपकी डिलीवरी 8 घंटे में भी हो, या हो सकता है कि लेबर पेन स्टार्ट होने से आपको 24 आवर्स भी लगे। तो घबराना नहीं है, आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में भी डिफरेंस हो सकता है। जो मल्टी ग्रेविडा रहता है यानी जिनकी पहले नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी होती है उनमें ये फर्स्ट स्टेज थोड़े से शॉर्ट रहती है। थर्ड स्टेज ऑफ डिलीवरी रहती है बेबी आउट होने के बाद प्लासेंटा यानी बेबी की जो नाड़ रहती है वो बाहर आने तक हम इसको थर्ड स्टेज बोलते हैं। ये 5 मिनट से 15 मिनट तक हो सकती है। और फोर्थ स्टेज ऑफ डिलीवरी इज डिलीवरी होने के बाद 1 घंटे तक जो ऑब्जर्वेशन रहता है उसको हम फोर्थ स्टेज बोलते हैं। कभी कभार डिलीवरी होने के बाद भी कुछ फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इसीलिए डिलीवरी के बाद हम हमारे फीमेल्स को 1 घंटा हमारे लेबर रूम में हमारे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। सो यदि ब्लीडिंग हो रही है या कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो वो अर्ली डायग्नोज हो। यदि आपने अब तक आपके डॉक्टर्स ने आपको स्कैन बताया है वो नहीं किया होगा तो आपको ये वीक्स में स्कैन करना है। रूटीन सोनोग्राफी के साथ हमें डॉपलर भी करना है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि हमारे बेबी को जो ब्लड फ्लो जा रहा है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। यदि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, यानी आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, हमारे बेबी का वेट जो है वो कम है यानी इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, या आपका जो प्लासेंटा है वो नीचे के साइड में जिसको हम प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं, या इसके पहले आपके 2-3 सेक्शन हो चुके हैं, तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो। ऐसे केस में आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करके अर्ली डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो यदि आप हाई रिस्क हो और आपने ये वीक में स्कैन किया है तो आपने आपके डॉक्टर्स को जाके मिलना है और आपकी डिलीवरी की डेट यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बारे में डिस्कस करना है। ये वीडियो में हमने 33 और 34 वीक्स के बारे में बात की है। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में 35 और 36 वीक्स के बारे में बात करेंगे। यदि आपको कोई भी क्वेरी है या हमसे डायरेक्टली कंसल्टेशन करना हो तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो। यदि आपको हमारा ये वीडियो, हमारी ये सीरीज़ यूजफुल लगी है तो आप इसको शेयर कर सकते हो, सो दैट और जो फीमेल है, जो टू बी मॉम है, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच।